की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपको मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको किस सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पट्टी ली हुई है, तो ये शर्ट पट्टी है, तकरीबन 1 मीटर के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। उसके बाद ये बचा हुआ टुकड़ा है, आपने लेना है 1.5 मीटर फैब्रिक, उससे आपकी शर्ट अच्छी खासी बन जाती है। सबसे पहले इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सिंगल फोल्ड में इस तरीके से देखिए विड्थ इसकी मैं रख रही हूँ 12 इंच की। फोल्डिंग के बाद अब यहाँ से आपने लेंथ नापनी है, तो जितनी भी आपने लेंथ रखनी हो उतना यहाँ पर निशान लगा लें और उसमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और ले लें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 28 इंच की टोटल लेंथ रख रही हूँ। अब यहाँ पर बंद वाली जो साइड है, तो आपने क्या करना है, जो पेस्टिंग पट्टी है इससे आप थोड़ी अंदर की साइड रखते हुए ऐसे निशान लगा लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आता है तकरीबन 2 इंच से एक सूत कम है, तो यहाँ पर इतना ही निशान आपने लगा लेना है और निशानों को अच्छे से ऐसे सीधा कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह हर स्टेप समझ में आएगा। अब आपने क्या करना है, जो पट्टी को मैंने यहाँ पर निशान लगाया है उसी को फोल्ड कर देना है। ऐसे देखिए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर पिन से सेट कर देना है। ये आपके समझने के लिए है और समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पिन लगाई है। अब तीरा यहाँ पर आता है 16 इंच, 16 का हाफ, मैंने 8 इंच लिया हुआ है। तो 8 इंच पर ऐसे निशान लगाएं और उसके बाद 8 इंच का ही मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद अब जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब आपने चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो इंची टेप से अभी मैं 2nd पार्ट ले रही हूँ 19 इंच का। ऐसे इंची टेप को फोल्ड करें और जितना भी आता है उतना यहाँ पर निशान लगा दीजिएगा और यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा मैं रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आपने निशान लगाना है अपने वेस्ट लाइन का, तो यहाँ पर आता है तकरीबन 14 इंच का। तो 14 इंच पर अब हम निशान लगाएंगे अपने वेस्ट का यानी कि कमर का। तो कमर का आपने 2nd पार्ट करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 19 ही रखना है, तो 19 का हाफ कर ऐसे निशान लगा दीजिएगा। देखिए ये हिसाब देखने के बाद आप किसी भी साइज़ की शर्ट बना सकते हो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। अब जो भी हमने निशान लगाए हैं तो यहाँ पर हल्का फुल्का ही ढाल आपने देना होता है, ज़्यादा नहीं देना होता है। ऐसे ढाल देने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम गोलाई देंगे, तो जहाँ से हमारी सीधी लाइन है वहाँ से आपने गोलाई इस तरीके से देना है, ऊपर की साइड ऐसे आ जाना है। तो यहाँ पर अच्छा सा ढाल दे दें और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 इंच के हिसाब से ऊपर की साइड ढाल दिया है। यहाँ पर नेक के लिए मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और 3 इंच की लंबाई रख रही हूँ, क्योंकि हम कॉलर ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कॉलर के मेज़रमेंट यही होते हैं 2.5 और 3। इस तरीके से ये निशान लगा लें। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का ये हमें तीरा गिराना होता है। ऐसे 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको ऐसे तिरछा कर दें और ये तिरछा करने के बाद देखिए जहाँ से हमारा आर्म होल है वहाँ से आपने 1 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाना है और इसको भी हमें ऐसे तिरछा मिला देना है। ऐसे तिरछा मिलाने के बाद इस लाइन को ऐसे सीधा कर दें और सीधा करने के बाद यहाँ पर गोलाई इस तरीके से देनी होती है। देखिए तो ये है हमारे मेज़रमेंट, इसी हिसाब से हम कुर्ते की कटिंग भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सारे मेजरमेंट अच्छे से कर लिए हैं, इन्हीं के हिसाब से अब हम इन निशानों पर कट कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें, और अगर पहले से ही किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अच्छे से इन्हीं निशानों पर आपने शर्ट को कटिंग कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके हर स्टेप अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद इसको साइड से हटा लेना है इन कपड़ों को। अब देखिए जो हमारे पास दूसरा वाला टुकड़ा है तो उसको भी हम सेम तरीके से फोल्ड कर रख लेंगे सिंगल फोल्ड में। तो इसको हटा लेते हैं और दूसरा कपड़ा अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर 2 इंच का जो फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया था उसको ऐसे ही रहने देना है, और इसके ऊपर हमें ऐसे रख कर और अपना बैक पार्ट कटिंग कर लेना है। यानी कि बैक पार्ट में हम 2 इंच का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, जैसा है वैसे ही हम कट कर देंगे। तो इन्हीं निशानों पर रखकर हमें कट करना है। उससे पहले जैसे कि हमने 1.5 इंच तीरा गिराया था, तो अब यहाँ पर 1.5 इंच का हमें तीरा उठाना है इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे सीधी लाइन कर दें। आर्म होल की गोलाई हमें इस तरीके से देखिए, देखिए ऐसे। और यहाँ पर हालांकि कटिंग हम करेंगे तो हल्का सा, देखिए 2.5 इंच है और लंबाई तकरीबन मैं इसकी गले की हाले की यानी कि 1 इंच की रख रही हूँ, और ऐसे गोलाई दे दें। यहाँ पर हल्का सा बड़ा रखते हुए यहाँ से ऐसे मिला दें, बैक पल्ला हल्का सा बड़ा रहेगा। और उसके बाद इन्हीं निशानों पर अच्छे से कट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ पाता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, और वीडियो में ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट हल्का सा मैंने बड़ा कटिंग किया है नीचे की साइड। अब आपने क्या करना है, स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। तो जो टुकड़ा था उसको मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया है, खुली वाली साइड की तरफ 3 इंच का निशान लगाना है और स्लीव्स का ढाल ऐसे दे देना है। आर्म होल आपने रखना है 8.5 इंच पर, क्योंकि 8 इंच के हमने आर्म होल लिए हैं, गोलाई के बाद बढ़ जाते हैं, तो 8.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पर मैं 8 इंच पर स्लीव्स रख रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर मोरी फोल्ड करनी नहीं है, अलग से पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करना होता है। अब यहाँ पर मोरी अपने हिसाब से आप रख लें और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें, और इन्हीं निशानों पर अच्छे से कट कर लेना है। और जब हमारे स्लीव्स कट हो जाती है तो इसी को रख कर हम दूसरा टुकड़ा कट कर लेंगे ऐसे, देखिए। तो दोनों स्लीव्स एक साथ कट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले बैक पार्ट हम लेंगे, इसके लिए हम इसका तीरा कट करेंगे। तो सिंगल फैब्रिक फोल्ड कर लें, इसके ऊपर हमें बैक पल्ला रखना है, और तीरे की लंबाई तकरीबन मैं 6 इंच की रख रही हूँ। ऐसे निशान लगा लें और यहाँ से यहाँ तक देखिए ऐसे हमें कट करना होता है। तो यहाँ से देखिए आपने ऐसे कट कर लेना है, और जब ये कट हो जाता है तो अंदर वाले फैब्रिक पे हमें निशान लगा लेना है, और इस निशान को ऐसे सीधा कर लें। अब आप तीरे में कोई सा भी शेप दे सकते हो, चाहे सीधा चाहे कोई सा भी आप शेप दे सकते हो इसमें। अब उसके बाद इसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद इसके ऊपर पूरा ऐसे रख लेना है अपने मिलाते हुए, और यहाँ से फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई कर देनी है। अब आता है हमारा बैक फ्रंट पल्ला। तो यहाँ पर सबसे पहले नोचिस लगा लें जहाँ से हमने फोल्ड किया हुआ हिस्सा है। अब यहाँ से ओपन कर लेना है इस वाले हिस्से को, और ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 2 हिस्से हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि लेफ़्ट पर कौन सी पट्टी आएगी और राइट पर कौन सी पट्टी आएगी। तो राइट जो हैंड है उस पर हमारी बटन वाली पट्टी आएगी, और जो लेफ़्ट है उसमें हम काज बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये वाली पट्टी, इस पर हम ये पट्टी लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, देखिए। और यहाँ आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर देंगे। तो ये वाली पट्टी तो ऐसे फोल्ड हो गई। अब दूसरी वाली जो पट्टी है उसको केवल हम नोचिस तक इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे। इसको पूरा फोल्ड हमें चौड़ाई के साथ नहीं करना है, इसको हमें केवल ऐसे देखिए फोल्ड करना है जहाँ तक हमारा नोचिस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस पेस्टिंग को चिपका लेती हूँ। वैसे ये अच्छे से चिपक जाती है, और ये उधर से चिपकती है जिसमें हल्की सी इसमें चमक होती है, उधर से हम इसको चिपकाते हैं। और चिपकाने के बाद इस पट्टी को भी ऐसे फोल्ड करते रहें, प्रेस से अच्छे से चिपक जाती है। और फोल्ड करने के बाद हमें एक और फोल्ड कर देना होता है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पट्टियों को अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। ये पेस्टिंग वाली पट्टी है चौड़ी, और ये पतली वाली पट्टी है जिस पर हम बटन अटैच करेंगे।
तो इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखें और यहाँ पर पिन से अच्छे से सेट कर दें ताकि हमें फिटिंग लगाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पिन लगा देती हूँ और पिन लगाने के बाद अब हमें बैक पार्ट लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने तीरा लगा लिया है, अच्छे से सिलाइयाँ कर दी हैं। अब इसके ऊपर हमें ये वाला पार्ट ऐसे रखना है और अच्छे से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद केवल हमें तीरा पर सिलाई लगाना है, यहाँ पर कंधे पर सिलाई लगानी है। तो ये हमने जोड़ दी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ऐसे खिसकाएं और जहाँ से शोल्डर है तो शोल्डर से शोल्डर अच्छे से मिला लें और इसको सेट कर लें। अब यहाँ पर हमें फ़िटिंग लगानी होती है, तो फिटिंग के लिए सबसे पहले इंची टेप से निशान लगाएं, 19 था तो 19 का हमें इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर कमर पर 17 इंच था तो 17 का ऐसे निशान लगाएं और यहाँ पर 19 इंच था तो 19 लगा लें और अच्छा सा ढाल देते हुए यहाँ पर हल्का फुल्का और इन्हीं निशानों पर अच्छे से सिलाई कर लेनी है। अच्छा, स्लीव्स मैंने यहाँ पर बना ली हैं क्योंकि मैंने एक पट्टी लगाकर ऊपर की साइड फोल्ड कर दी थी ऐसे। अब नॉर्मल स्लीव्स को आपने इस तरीके से इसमें अटैच कर लेना है, फिटिंग लगा लेनी है। तो मैंने अभी फिटिंग लगा ली है अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे, तो कॉलर के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से नापना है। देखिए इसको ऐसे नापना है तो ये आता है 15 इंच और आप ऐसे भी इसको नाप सकते हो, पूरा गला ओपन कर ऐसे राउंड राउंड आपने घुमा देना है इंची टेप को, तो ये 15 इंच आता है। अब 15 इंच का हमें कॉलर तैयार करना है, तो वही वाली ये पेस्टिंग पट्टी है जो हमने शर्ट में लगाई है, इसको हमें 15 इंच पर कट कर लेना है। और कट करने के बाद यहाँ पर हल्का सा हमें शेप देना है, जैसे कॉलर का शेप होता है। शर्ट वाली कॉलर हम नहीं बना रहे हैं, ये हाफ़ कॉलर मैं बना रही हूँ। अब इसको पेस्टिंग कर लें। अब मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है और यहाँ से इस फैब्रिक को हल्का फुल्का आपने फोल्ड कर लेना है, बड़ी बड़ी सिलाई से यहाँ पर इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, देखिए। और जब ये फोल्ड हो जाती है फिर आपने यहाँ पर देखिए क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ बुकरम पर हमें नहीं चलानी सिलाई, बुकरम के बराबर बराबर इसी शेप में हमें सिलाई को चलाना है पूरा, देखिए ऐसे। और पूरा हमें सिलाई उतारनी नहीं है, जहाँ तक हमारा बुकरम है वहीं तक ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए इतना हिस्सा खुला छोड़ देना है और जैसे ही हमारी सिलाई लग जाती है तो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर दें और यहाँ पर नोचेस लगा लें। नोचेस लगाने के बाद इसको सीधा फोल्ड कर लें ऐसे, सीधा होने के बाद यहाँ पर प्रेस कर लेनी है और यहाँ देखिए चौक से निशान लगा लें ताकि हमें याद रहे कि हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद देखिए हमें शर्ट की उल्टी साइड लेनी है, कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये वाला हिस्सा इसके ऊपर ऐसे रखना है और जहाँ पर हमने चौक से निशान लगाया था उसी पर हमें सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से, और पूरा राउंड राउंड हमें कॉलर को घुमा देना है। और यहाँ पर देखिए ऐसे आते हुए हमें पूरे कॉलर को अच्छे से फिनिश कर देना है। जब हम कॉलर को यहाँ से उतारेंगे तो इसको भी फोल्ड कर लें। अब इस हिस्से को देखिए ऐसे यहाँ पर सिल दें इस तरीके से, जितना भी कॉलर आता है हमारा उतना ऐसे यहाँ पर राउंड शेप दे दें सिलाई करने के बाद। उसके बाद ये सीधा होकर ऐसे आ जाता है, देखिए ऐसे पलट कर। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कॉलर लगाने का, आप लगा सकते हो। अगर वीडियो यहाँ पर ज़रा भी आपको फास्ट लगता है तो आप नॉर्मल कर लें और अच्छे से आप सीख सकते हो कॉलर लगाना। उसके बाद पलट कर यहाँ पर सिलाई लगा दें नॉर्मल सी। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कॉलर लगाने का। अगर आप कमेंट्स करते हो तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, फुल कॉलर लेकर आऊंगी, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। और ये देखिए हमें फिनिशिंग के साथ पूरी सिलाई अच्छे से कर देनी है, कॉलर हमारी फिनिश हो चुकी है। उसके बाद इसका बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। बॉटम के लिए सबसे पहले आपने देखिए हल्का सा बारीक सा हमें इसको फोल्ड करना है, बड़ी चाल कर लेनी है। सबसे पहले हमें बॉटम को सिंगल फोल्ड करना है, बारीक सा उंगली से ऐसे देखिए अपने फैब्रिक को खींचते जाना है, तब आपका शेप अच्छे से बन जाता है। उसके बाद जब ये पूरा हमने सिंगल फोल्ड कर देना है उसके बाद एक और फोल्ड करना है ऐसे डबल में, देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इजीली फोल्ड हो जाता है। अच्छा, ये है हमारे शर्ट का फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैंने काज बना लिए हैं, बटन अटैच कर दिए हैं, हमारा बॉटम फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो चुका है। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।